नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा। आज आपको ट्रैक्टरों में प्रयोग होने वाले वायु शोधक एयर क्लीनर की जानकारी यहाँ पर दूंगा। ट्रैक्टरों में टू टाइप्स के एयर क्लीनर हम लोग यूज़ करते हैं, ऑयल वाट टाइप और ड्राई टाइप। तो हमारे पास अभी ऑयल वाट टाइप जो वेट टाइप है वो एयर क्लीनर है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑयल कहाँ इसमें हम लोग देखेंगे कि हवा कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे शुद्ध साफ हवा हमारे इंजन के अंदर जाती है। एयर क्लीनर का प्रमुख काम होता है कि वायुमंडल की जो हवा होती है उसे क्लीन करना, उसके अंदर जो धूल मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनको क्लीन करके हमारे इनलेट वाल्व के अंदर पहुंचाना या दहन कक्ष तक पहुंचाना। अगर वायु शुद्ध साफ नहीं होगी तो उसके अंदर जो धूल मिट्टी जाएगी उसकी वजह से हमारे दहन कक्ष के अंदर, लाइनर के अंदर, पिस्टन के अंदर और वाल्व सीट के अंदर बालू रेत चली जाती है, और उससे वो क्या होता है, उसमें एमरी होती है, ग्लाइंडिंग का काम करती है, एमरी का काम करती है। इसलिए उसको हमेशा क्लीन होना, एयर को क्लीन होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखें इसके प्रमुख कंपोनेंट। सबसे ऊपर वाला ये जो हमारा पूरा आपको दिख रहा है, ये वेट टाइप या ऑयल वाट टाइप का एयर क्लीनर है। इसके सबसे ऊपर वाले भाग में ये प्री क्लीनर कहलाता है। प्री क्लीनर में ही एक डस्ट कवर लगा होता है, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर हम लोग देखें तो ये बाउल है, और इस बाउल के अंदर ही ऑयल रहता है। इसमें जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं वो इंजन ऑयल 20W40 हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे काम करता है। जब ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट होता है तो देखिए इस प्री क्लीनर के नीचे यहाँ साइड से आइए, देखिए यहाँ साइड से देखिए एयर अंदर की तरफ प्रवेश करती है ऐसे राउंड में। जब अंदर की तरफ प्रवेश करती है तो सबसे ऊपर वाले एयर क्लीनर के कवर से टकराती है। जब एयर क्लीनर से टकराएगी कवर से तो एयर इस जो ग्लास का, ये देखिए डस्ट कवर भी इसे बोलते हैं, डस्ट कवर के अंदर एयर आएगी और साइक्लोन की तरह घूमेगी, ऐसे गोल गोल करके जब घूमेगी तो जो मोटे पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे इस डस्ट कवर में रुक जाएगी। ये देखिए ये हमारा डस्ट कवर है। आपको इसे प्रतिदिन साफ करना है। जब सर्कल रुलेगी तो जो मोटे पार्टिकल होंगे वो इसके अंदर रुक जाएंगे। फिर एयर सेंटर से होते हुए यहाँ देखिए साइड से निकली, साइड से आई, इस तरह आती है, ये आई और प्रीक्रियन हुआ, घूमा, और यहाँ सेंटर से होते हुए डायरेक्ट नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर ऑयल भरा हुआ है यहाँ पर एयर डायरेक्ट हिट करती है, नीचे की तरफ जाती है। और जो ऑयल में जब डिप करती है तो देखिए मैं इसे खोलता हूँ, थोड़ा रोक लीजिए, ऑयल देखिए इस बाउल में सेंटर में जाएगी, ये बाउल में इसमें ऑयल भरा होता है, ये देखिए 20W40 ऑयल भरा है। तो ऑयल में जब एयर जाएगी तो डायरेक्ट इसमें डिप करेगी, बात करेगी, तो जितनी भी उसमें धूल मिट्टी होगी वो सारी के सारी इसमें चिपक जाएगी। ये देखिए रोकने, ठीक है, ये देखिए इस तरह हम लोग इसको खोल के बाहर निकालते हैं, और इसमें देखते हैं कि कितनी धूल मिट्टी ज़्यादा है तो नहीं, अगर होगी तो ऐसे नीचे हाथ डाल के देखिए और इस तरह आपकी गंदगी निकलती है। अगर ज़्यादा गंदगी हो तो आप 50 घंटे के लगभग इस ऑयल को चेंज कर दें। अब जब एयर इसमें आएगी तो डिप होके इसमें बात करेगी, बात करने के बाद जो एयर होगी, देखिए मैं इसे कसता हूँ वापस, ये अभी ऑयल ठीक है, जब इसमें डिप होगी तो गंदगी यहाँ पर रुकेगी, फिर यहीं से एयर ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ देखिए बायर मेस जाली लगी हुई है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बायर मेस जालियों का है, ये ऑयल में डूबी हुई जालियाँ होती हैं बायर मेस। तो यहाँ से हवा हमारी अंदर प्रवेश करेगी और पूरा क्लीन होकर ये इनलेट मैनिफोल्ड द्वारा हमारे दहन कक्ष तक पहुँच जाएगी। ये देखिए यहाँ से सेंटर से आती है और साइड से होते हुए जाती है, इस तरह इसके अंदर दहन कक्ष के अंदर तक शुद्ध साफ हवा कंटिन्यू हमारे इसमें होती है। ये क्रिया होती है आपके ऑयल वाट एयर क्लीनर की, वायु शोधक की। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।